हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के ऊपर 2 अगस्त 2018 के। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो एग्जाम में वेटेज है करंट अफेयर्स का, वो 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और जो हमारा रेलवे का एग्जाम होने वाला है लोको पायलट का, उसमें 10 मार्क्स से करंट अफेयर्स पूछे जाने हैं, तो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग रेगुलर करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन है करंट अफेयर 2 अगस्त 2018। आज हमें क्विज के क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्विज था 2018 में किसने अपना पहला टूर दी फ्रांस जीता। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेरेंट थॉमस। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जेरेंट थॉमस। सभी लोगों ने इसका सही आंसर किया है। ब्रिटेन के जेरेंट थॉमस ने अपना पहला 2018 टूर दी फ्रांस जीता है। तो ये कहाँ के? ये है ब्रिटेन के, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ फ्रांस की बात हो रही है तो फ्रांस के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो। ठीक है फ्रेंड्स, यूरो। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इमानुएल मैक्रोन, इमानुएल मैक्रोन। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, 2018 में किसने अपना पहला टूर दी फ्रांस जीता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेरेंट थॉमस। और ये कहाँ के? ये ब्रिटेन के। ब्रिटेन के जेरेंट थॉमस ने अपना पहला 2018 टूर दी फ्रांस जीता है। और यहाँ फ्रांस की बात हो रही है, ये फ्रांस में आयोजित हुआ है। तो फ्रांस के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। फ्रांस के जो करेंसी है वो है यूरो। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इमानुएल मैक्रोन। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। केंद्र द्वारा शुरू की गई जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने के लिए कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर है। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। जयपुर को ही हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान के जो सीएम है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है फ्रेंड्स, और जो राजस्थान के गवर्नर हैं उनका नाम है कल्याण सिंह, कल्याण सिंह। तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। केंद्र द्वारा शुरू की गई जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने के लिए कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड, वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और हमने डिस्कस किया था राजस्थान का इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, और जयपुर को ही हम पिंक सिटी भी कहते हैं। राजस्थान के जो सीएम है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया, और राजस्थान के जो गवर्नर है उनका नाम है कल्याण सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कारों में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ONGC। ONGC इसका राइट आंसर है। और ONGC का जो फुल फॉर्म है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक बार और रिपीट करता हूँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। ठीक है फ्रेंड्स, और ONGC ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कारों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की जो थीम थी वो थी इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार रिपीट करता हूँ, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और यहाँ ONGC की बात हो रही है तो ONGC के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ONGC की जो स्थापना हुई है वो ये 14 अगस्त 1956 को। ठीक है फ्रेंड्स, 14 अगस्त 1956 को ONGC की स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो पहले जो इसका हेडक्वार्टर था वो था देहरादून में। पहले जो इसका हेडक्वार्टर था, अर्लियर हेडक्वार्टर जो था वो था इसका देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ONGC का वो है न्यू दिल्ली में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ONGC के जो CEO है उनका नाम है शशि शंकर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हाल ही में किसने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कारों में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ONGC। ONGC का जो फुल फॉर्म है वो है
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ठीक है फ्रेंड्स। और स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का जो थीम थी वो है इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और ONGC की बात हो रही है तो ONGC का जो हेडक्वार्टर पहले था, अर्लियर हेडक्वार्टर जो था वो था देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है फ्रेंड्स, देहरादून उत्तराखंड में। और इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी जो स्थापना हुई है वो ये 14 अगस्त 1956 को, 14 अगस्त 1956, ये आप नोट कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। और ONGC के जो CEO है वो है शशि शंकर, तो ये भी आप याद रखें। इतने पॉइंट्स फ्रेंड्स इस पॉइंट से कवर होते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप इंडिया यात्रा शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है, रायपुर छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप इंडिया यात्रा लॉन्च की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, नौकरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया हर महीने एक राज्य में स्टार्टअप इंडिया यात्रा का आयोजन करता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर, छत्तीसगढ़ के जो CM है वो है रमन सिंह, और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है उनका नाम है बलराम दास टंडन। क्या नाम है? बलराम दास टंडन, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप इंडिया यात्रा शुरू की गई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप इंडिया यात्रा लॉन्च की गई है। और नौकरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया हर महीने एक राज्य में स्टार्टअप इंडिया यात्रा का आयोजन करता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स हमने छत्तीसगढ़ की बात की थी, तो छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर, छत्तीसगढ़ के जो CM है वो है रमन सिंह, और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है उनका नाम है बलराम दास टंडन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे HDFC के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीपक पारेख। दीपक पारेख को HDFC के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ HDFC की बात हो रही है तो HDFC के हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। HDFC का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1994 की, जो स्थापना हुई है वो हुई है 1994 में, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हाल ही में किसे HDFC के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स आपको इनका नाम याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, दीपक पारेख, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ HDFC की बात की थी हमने, HDFC का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और HDFC की जो स्थापना हुई है वो ये 1994 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, RBI ने किस बैंक को अगस्त से प्रारंभ करने की मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये इसका राइट आंसर होगा। और इससे पहले दो पेमेंट बैंक को मंजूरी मिल चुकी है, एक एयरटेल पेमेंट बैंक और एक पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इस तरह का तीसरा बैंक है, ठीक है फ्रेंड्स। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 650 शाखाएं खोलेगा इंडिया में, ठीक है फ्रेंड्स, और 17 करोड़ खातों के साथ शुरू करेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आप याद रखें। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो स्थापना हुई है वो हुई है 2017 में, ये आपको पता होना चाहिए। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो CEO हैं वो हैं सुरेश सेठी, ठीक है फ्रेंड्स, सुरेश सेठी। तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, RBI ने किस बैंक को अगस्त से प्रारंभ करने की मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इससे पहले दो पेमेंट बैंक को मंजूरी मिल चुकी है, एक है एयरटेल पेमेंट बैंक और दूसरा है पेटीएम पेमेंट बैंक, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तीसरा बैंक है, ठीक है फ्रेंड्स। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 650 शाखाएं खोलेगा भारत में और 17 करोड़ खातों के साथ शुरू करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी जो स्थापना हुई है वो ये 2017 में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो स्थापना हुई है वो ये 2017 में, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो CEO हैं वो हैं सुरेश सेठी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए प्रथम चरण में कितने जिलों की पहचान की गई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 55 जिलों, ठीक है फ्रेंड्स, 55 जिलों की पहचान की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वनस्पति जीव और प्रदूषण के मुद्दों पर भारत सरकार द्वारा पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए प्रथम चरण में कितने जिलों की पहचान की गई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
55 जिलों की पहचान की गई है। और वनस्पति जीव और प्रदूषण के मुद्दों पर भारत सरकार द्वारा पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस। रिलायंस इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था चौथी मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है, तो वो बनी थी SCL। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले। ठीक है फ्रेंड्स, और उस टाइम पर पहली मूल्यवान कंपनी थी TCS। ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइम पर जो थी पहली कौन सी थी, TCS थी। सेकंड पे थी इन्फोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, और थर्ड पे थी रिलायंस। लेकिन अब रिलायंस ने TCS को पीछे छोड़ दिया और रिलायंस फर्स्ट नंबर पे पहुंच गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है रिलायंस, और सेकंड पे कौन सी है, TCS। तो फर्स्ट पे कौन सी है, रिलायंस, और सेकंड पे पहुंच गई है TCS। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको याद रखने। तो एक बार और हम देख लेते हैं इस पॉइंट को, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस। कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था चौथी मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी थी, SCL। ठीक है फ्रेंड्स, और उस टाइम पर पहली मूल्यवान कंपनी थी TCS, सेकंड थी इन्फोसिस, और थर्ड थी रिलायंस। लेकिन रिलायंस ने अब TCS को पीछे छोड़ दिया है, और अभी प्रेजेंट में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है रिलायंस, जो कि फर्स्ट पे, और सेकंड है TCS। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव कोशिका के नए आकार स्क्रूटायर की खोज की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है स्पेन और अमेरिका। तो उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा, स्पेन और अमेरिका। स्पेन और अमेरिका देश के वैज्ञानिकों ने मानव कोशिका के नए आकार स्क्रूटायर की खोज की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। तो यहाँ अमेरिका की बात हो रही, सबसे पहले हम अमेरिका की इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है Washington DC। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है Washington DC। अमेरिका की जो करेंसी है वो है USD। ये हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिका की। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप। और अब हम बात करते हैं स्पेन की, स्पेन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड, और स्पेन की जो करेंसी है वो है यूरो। ठीक है फ्रेंड्स, और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है पेड्रो सैंचेस। ठीक है फ्रेंड्स, पेड्रो सैंचेस। तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव कोशिका के नए आकार स्क्रूटायर की खोज की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है स्पेन और अमेरिका दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है, अमेरिका की जो कैपिटल है वो है Washington DC, अमेरिका की जो करेंसी है वो है USD, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और स्पेन की बात करते हैं हम, तो स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड, स्पेन की जो करेंसी है वो है यूरो, और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है पेड्रो सैंचेस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, शहीद सम्मान दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस कौन सा राज्य मनाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस के दिन को शहीद सम्मान दिवस के रूप में मनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल, मध्य प्रदेश के जो CM है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट फ्रेंड आपको याद रखने। एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, शहीद सम्मान दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस कौन सा राज्य मनाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के दिन को शहीद सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल, मध्य प्रदेश के जो CM है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद की बिक्री के लिए निर्यात नियंत्रण आसान बना दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, USA ने STA1। ये आप याद रखें, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो USA ने STA1 देश के रूप में नामित करके भारत के लिए उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद की बिक्री के लिए निर्यात नियंत्रण आसान बना दिया है, और वर्तमान में STA1 सूची में 36 देश हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, 36 देश है, जिसमें भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
और फ्रेंड्स यहाँ अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी, और अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद की बिक्री के लिए निर्यात नियंत्रण आसान बना दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, यूएसए ने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1, तो STA 1, ये आपको याद रखना है, STA 1 आपको याद रखना है, देश के रूप में नामित करके भारत के लिए उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद की बिक्री के लिए निर्यात नियंत्रण आसान बना दिया है। और वर्तमान में STA 1 सूची में 36 देश हैं, कितने देश हैं, 36, जिसमें भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अमेरिका के हमने बात की थी, अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूएसडी, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई अक्षरायण शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।